फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं वेज मंचूरियन बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने लिया है बारीक कटा हुआ फूल गोभी, बारीक कटा हुआ बंद गोभी, इसके साथ ही मैंने लिया है बारीक कटा हुआ हरा पत्ता प्याज और उसके साथ गाजर। उसके बाद हमें चाहिए कॉर्नफ्लोर, कॉर्न स्टार्च, मैदा, नमक, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। उसके साथ ही मैं लेने वाली हूँ सोया सॉस। आइए चलिए अब हम मिक्सिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले मैं मिलाऊंगी मैदा। मैदा के बाद हमें मिलाना है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर के बाद मैं मिलाऊंगी नमक, थोड़ा सा नमक नमक और अब इसको मिलाना है हमें। तो उसके लिए मैं डालूंगी पानी, थोड़ा सा ही पानी डालना है, ज्यादा पानी नहीं डालना है हमें। अब हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। हाँ जी, देखिए कुछ इस तरीके से मिक्स करना है। आपको लगे कि पानी जरूरत है तभी पानी डालिए, नहीं तो पानी मत डालिए। अभी जैसे मुझे नहीं लगेगा। हाँ जी, ये हमारा तेल गरम हो चुका है। तो अब मैं इसमें मंचूरियन बॉल कुछ इस तरीके से लूंगी और ऐसे गोल गोल करके डालूंगी। मैंने हाथ में पानी लगा रखा है और हीट जो है हमें सिम कर देना है। तेल अच्छी तरीके से गरम करना है, फिर हीट जो है हमें सिम कर देना है, इस बात का ध्यान रखना है। ये देखिए, अभी मैंने सिम से थोड़ा सा फ्लेम जो है वो तेज कर दिया और उसको इसको मैंने इस तरीके से हिला दिया है। हाँ जी, नहीं हुआ है, अभी हल्का हल्का ही हुआ है क्योंकि मैंने जो हीट है गैस का वो सिम रख दिया था। और आप लोगों को एक बात का ख्याल रखना है कि पानी ज़्यादा नहीं मिलाना है। पानी आप ज़्यादा मिलाएंगे गीला हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए हमारा मंचूरियन बॉल तैयार हो चुका है। कितना अच्छा रंग आया, कलर देखिए कितनी अच्छी अच्छा है ये। हाँ जी, अब इसमें तेल स्ट्रेन होता रहेगा, निकलते रहेगा तेल अपना, देखिए जी। अब आप लोग देख सकते हैं मैं ग्रेवी की तैयारी करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने लिया है अदरक, कटे हुए अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया पत्ता, स्प्रिंग ओनियन, प्याज पत्ता, ठीक है। उसके साथ मैंने लिया कॉर्नफ्लोर, सोया सॉस, उसके साथ ही विनेगर थोड़ा सा, और विनेगर के बाद हमने लिया है नमक। हाँ जी, ये तेल गरम हो चुका है। तो अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ अदरक, लहसुन, उसके बाद मिर्ची, मिर्ची के बाद हरा धनिया, उसके बाद स्प्रिंग ओनियन, प्याज। हाँ जी, अब मैंने इसमें मिला दिया है कटे हुए प्याज और अब मैं इसमें मिलाऊंगी सोया सॉस। सोया सॉस के बाद मैं लूंगी कॉर्नफ्लोर, इसमें पानी मिलाऊंगी मैं। और ये देखिए, अब मैं कॉर्नफ्लोर मिलाने वाली हूँ। अब देखिए इसमें मैं पानी ऐड करूंगी। और नमक स्वाद के अनुसार। ये मैंने डाला विनेगर,
विनेगर के बाद मैंने डाला टोमेटो सॉस और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और बॉयल होने देंगे। देख सकते हैं हमारा ग्रेवी अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे मंचूरियन बॉल्स। जी ये देखिए ये रेडी हो चुका है, बस हम एक मिनट के लिए इसको कवर करेंगे। एक मिनट कवर करके बस तुरंत बंद कर देंगे। ये मैंने कवर किया, हीट सिम कर दिया है। हाँ जी देख लीजिए अब पूरी तरीके से रेडी हो चुका है और अब मैं गैस बंद करने वाली हूँ। हमारा मंचूरियन वेज मंचूरियन बनके तैयार हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।